नमस्कार, वीकेबी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ नोटिस जारी किया है। तो यशवंत जाधव के पास से मिली डायरी में मातोश्री के उल्लेख पर हंगामा मच गया है। डायरी में मातोश्री को 50 लाख की घड़ी और 2 करोड़ रुपए देने की बात लिखी है। वहीं मौसम जानकारों के अनुसार मुंबई में इस सप्ताह अप्रैल जैसी गर्मी की मार पड़ सकती है। तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने के आसार है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ 31 मार्च से अगले 7 दिनों तक आंदोलन किया जाएगा। उधर मुंबई करों को तनाव से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट नामक अभियान की पहल की है। रविवार से शुरू इस अभियान को मुंबई करों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। नसीम खान ने मुख्यमंत्री और दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के केस में याचिका दर्ज कराई है। नसीम खान का आरोप है कि 2019 की विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे के पक्ष में प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार किया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नसीम खान शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे से 409 वोट के मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद नसीम खान ने इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में उनकी याचिका एक तरफा और अन्यायपूर्ण तरीके से रद्द कर दी गई। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में एक फर्जी वीडियो भी प्रचारित किया गया, जिसमें उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखाया गया। खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि इस बारे में सारी शिकायत तत्कालीन चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के पास दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें, 2019 के विधानसभा चुनाव के समय शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार में एक साथ हो गए। बीएमसी में शिवसेना के पूर्व पार्षद और नागरिक निकाय की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे यशवंत जाधव के पास आयकर विभाग को एक डायरी मिली है। उन्होंने एक आवासीय भवन में किरायेदारी से मालिकाना हक हासिल करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उस डायरी में मातोश्री को 50 लाख की घड़ी और 2 करोड़ रुपए देने की बात भी लिखी है। ये सभी लेन देन 2018 और 2022 के बीच हुए, जब जाधव बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। जाधव ने आयकर अधिकारियों को बताया कि मातोश्री का मतलब उनकी माँ है। उन्हें दान में 2 करोड़ रुपए मिले। इन रुपयों का प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्रीय नववर्ष गुड़ी पाड़वा के दिन गिफ्ट बांटने में किए। डायरी में मातोश्री को 50 लाख रुपए की घड़ी देने की बात है। जाधव ने आईटी को बताया कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर लोगों के बीच घड़ियां बांटी हैं। हालांकि विभाग दोनों जवाबों से संतुष्ट नहीं है। अब भाजपा नेताओं ने इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय के जरिए कराए जाने की मांग की है। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से सोच होनी चाहिए, वरना भाजपा इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि कोविड के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि माँ को दिए पैसे का भी हिसाब रखना पड़ता है क्या? अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। बेनामी संपत्ति को लेकर ईडी, कंपनी मामलों के मंत्रालय और आयकर विभाग की जांच अभी जारी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस सप्ताह अप्रैल जैसी गर्मी की मार पड़ सकती है। आगामी 2 दिनों में मुंबई का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके पीछे की वजह उत्तर पश्चिम से चलने वाली गर्म हवाएं बताई जा रही है, जो मुंबई के तापमान को बढ़ाएगी। सिर्फ मुंबई ही नहीं, नासिक, जलगांव, मराठवाड़ा आदि इलाकों में भी गर्मी की मार पड़ सकती है। वर्तमान में मुंबई का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसके पीछे की वजह मौसम वैज्ञानिकों ने एंटी साइक्लोन को हटाना बताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एंटी साइक्लोन के हटने से समुद्र से चलने वाली हवाएं सवेरे 11 बजे से ही सेट हो जाती है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान नहीं बढ़ पाता है और मुंबई करों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम का आकलन करने वाली निजी संस्था स्काईमेट के प्रमुख वैज्ञानिक महेश पलावत ने कहा कि इस सप्ताह मुंबई कर अप्रैल जैसी गर्मी का अनुभव करेंगे। लोगों के लिए दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है, एक तरफ गर्मी का कहर तो दूसरी ओर हवा जहरीली। कल तक 259 AQI के साथ समूची मुंबई की हवा प्रदूषित रही। 368 AQI के साथ मजगांव की हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। भांडुप और बोरीवली की हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही, जबकि कोलाबा, मलाड, वर्ली, BKC, चेंबूर और अंधेरी की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार ने बजट में पेट्रोल और डीजल के बजट में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की है, इसलिए ईंधन की दर वृद्धि के लिए राज्य सरकार पर आरोप लगाना भाजपा का नकली गवारपन है। पटोले ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ 31 मार्च से अगले 7 दिनों तक आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री भी सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। पटोले ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही है, जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार को जगाने के लिए 31 मार्च से राज्य भर में महंगाई मुक्त भारत आंदोलन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। 31 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस का राज्य भर में आंदोलन शुरू होगा, जबकि 2 से 4 अप्रैल के बीच सभी जिला मुख्यालय में आंदोलन और मोर्चा आयोजित होगा। 7 अप्रैल को मुंबई में पार्टी की ओर से आंदोलन आयोजित किया जाएगा। पटोले ने कहा कि श्रम संगठनों के 28 और 29 मार्च के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन होगा। इसी क्रम में पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा के आरोप प्रत्यारोप को बंद करके विकास के लिए राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। मुंबईकरों के जीवन से तनाव कम करने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की अगुवाई में मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट नाम की पहल शुरू की है। रविवार को शुरू हुई इस पहल का मुंबईकरों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। इस दौरान कमिश्नर पांडे भी मरीन ड्राइव इलाके में लोगों के बीच उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए। संडे स्ट्रीट के तहत महानगर के कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सड़कों पर यातायात बंद रखा गया और इन खाली सड़कों पर लोगों ने योग, जॉगिंग, स्केटिंग, साइकिल चलाने और दूसरे खेलों का आनंद लिया। मुंबई के मरीन ड्राइव, बांद्रा, गोरेगांव, डीएन नगर, मुलुंड और विक्रोली इलाकों में कुछ मार्ग यातायात के लिए या तो पूरी तरह या तो आंशिक रूप से बंद थे। यातायात के लिए लोगों को दूसरे रास्तों का विकल्प दिया गया था। समंदर किनारे के मरीन ड्राइव इलाके में लोगों ने टेनिस कोर्ट बनाकर इस खेल का आनंद लिया तो बड़ी संख्या में बच्चे साइकिल चलाते और स्केटिंग करते भी नजर आए। कुछ लोग योगा करते भी दिखे। आमतौर पर इस मार्ग पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार गुजरती रहती है, लेकिन रविवार को यहां कई लोग अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते दिखे। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए मुंबईकरों से बातचीत में पांडे ने बताया कि मुंबई पुलिस जल्द ही कपड़े, टोपी, इत्र जैसे सामान बनाएगी। इन सामानों को बेचा जाएगा और इससे मिलने वाले पैसों को पुलिस कल्याण निधि में खर्च किया जाएगा। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारियों की एसोसिएशन ने सोमवार और मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल, केरल समेत अन्य राज्यों में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटक में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों के बाहर हिजाब अलग करने के बाद ही एंट्री ली है। वहीं प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। आज उन्होंने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया। इसी बीच देश में फिर से ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा वेरियंट के मामले बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों ने चताया है कि लापरवाही महंगी पड़ सकती है। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को विपक्ष की जगह लेने से बचाने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारियों की एसोसिएशन ने सोमवार और मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल, केरल समेत अन्य राज्यों में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी रेल पटरियों पर बैठ गए, इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूनियनों ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि हमारी हड़ताल में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली कर्मचारी भी शामिल हो गए। कोयला, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकॉम, तेल, पोस्टल जैसे अन्य कर्मचारी संगठनों का भी सहयोग मिला। हड़ताल को मिले समर्थन को देखते हुए आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और दूसरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। राहत भरी खबर यह है कि हड़ताल की वजह से बैंक भले ही बंद है, लेकिन एटीएम खुले हुए हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने भी क्षेत्रीय और राज्य कंट्रोल रूम्स को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी राज्यों और इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज को एडवाइजरी जारी कहा गया है कि हड़ताल के दौरान ग्रिड की मेंटेनेंस और स्थिरता बनाए रखें। हॉस्पिटल, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसी जरूरी सेवाओं की बिजली सप्लाई जारी रखने के लिए सभी कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कर्मचारी संगठन अभी स्ट्राइक टाल दे, वे इसे भविष्य में किसी अनुकूल तारीख के दिन रख सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की सोमवार और मंगलवार को दफ्तरों में अटेंडेंस जरूरी कर दी है, नहीं आने पर सैलरी काटी जाएगी।
हिजाब विवाद को लेकर अभी विरोध जारी है। कई मुस्लिम संगठन लामबंद हो चुके हैं, वे लंबी लड़ाई को तैयार है। इसी बीच कर्नाटक में 28 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। हिजाब विवाद उठने के बाद ये पहली परीक्षा है। स्कूल प्रशासन के रुख को देखकर छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों के बाहर हिजाब अलग करने के बाद ही एंट्री ली है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मुस्लिम बोर्ड के अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है, जिसमें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला पवित्र कुरान और हदीस की गलत व्याख्या और इस्लामिक कानून की गलत समझ पर आधारित है। एक दिन पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि परीक्षा हॉल में हिजाब पहनकर आने वाली किसी छात्रा को एंट्री नहीं मिलेगी। छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल या एग्जाम सेंटर तक जा सकती है, लेकिन एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले उन्हें हिजाब उतारना पड़ेगा। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के इतर दक्षिण कन्नड़ प्रशासन ने कहा कि एग्जाम हॉल के अंदर हिजाब पहनने की परमिशन उन्हें ही मिलेगी जहां वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है। कमिश्नर केवी राजेंद्र ने कहा कि कर्नाटक के कई स्कूल मुस्लिम संस्थाएं चलाती है और वो हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा है, इसलिए उन सेंटर्स पर हिजाब पहनकर एंट्री मिलेगी। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उन्होंने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। हाल में खत्म हुए राज्य के चुनाव में भाजपा ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है, जो 40 सदस्यीय सदन में बहुमत से एक कम है। 3 निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया है। 48 साल के सावन उत्तरी गोवा के सांखलिम से विधायक है। साल 2017 में जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने पर्रिकर के निधन के बाद मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सावंत पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुए समारोह में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। ये दूसरी बार है जब गोवा के मुख्यमंत्री ने राजभवन परिसर के बाहर शपथ ली। इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने 2012 में राज्य की राजधानी पणजी के कैंपल मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस वक्त भाजपा सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। गोवा में राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लई ने 29 मार्च से नई विधानसभा का 2 दिनों का सत्र बुलाया है। इस दौरान मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विश्वासमत हासिल करेंगे। सदन के अध्यक्ष पद का चुनाव पहले दिन होगा। मौजूदा कैलेंडर वर्ष के लिए ये पहला पूर्ण सत्र होगा, इसलिए राज्यपाल 29 मार्च को अपना पारंपरिक अभिभाषण देंगे। देश में फिर से ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। लापरवाही बरतने पर महंगा पड़ सकता है। वैसे भी वैज्ञानिकों ने देश में चौथी लहर आने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 221 मरीज मिले हैं, जिससे यह हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 67, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32, तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 मरीज मिले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी राज्यों को चेताया है। विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन व डेल्टा वेरिएंट के लक्षण पूर्व की तरह ही हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम इसकी निगरानी कर रही है। लक्षणों में बुखार, लगातार खांसी, 1 घंटे से अधिक समय तक खांसी, मुंह का स्वाद चले जाना सहित अन्य हो सकता है। उन्होंने फिर चेताया है कि कोरोना अभी गया नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में इससे संबंधित किसी तरह के लक्षण हो तो उसकी जाँच अवश्य कराए। यह कोरोना वायरस का हाइब्रिड संस्करण है, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरियंट से जीन को मिलाता है। फिर से फैल रहे वेरिएंट में 2-3 या उससे अधिक का मिश्रण हो सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान होने की जरूरत है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। वही सभी लोग वैक्सीन लें जिनका बूस्टर डोज का समय पूरा हो गया है, वे लोग बूस्टर डोज भी अवश्य लें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को विपक्ष की जगह लेने से बचाने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से पार्टी के साथ बने रहने और कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखने को भी कहा। पुणे में आयोजित जर्नलिज्म अवार्ड शो के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम में सवाल जवाब सत्र के दौरान गडकरी ने कहा कि मैं एक राष्ट्रीय नेता हूं और अब इस पड़ाव पर वापस महाराष्ट्र की राजनीति में आने में मेरी दिलचस्पी नहीं है।
एक समय था जब मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं अब वहाँ खुश हूँ। मैं सिद्धांतों पर राजनीति करता हूँ, न कि महत्वाकांक्षाओं के आधार पर। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी 1950 के दशक में लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू उनका सम्मान करते थे। इसलिए एक लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी की भूमिका बेहद अहम है। मैं दिल से कामना करता हूँ कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। आज जो कांग्रेस में है उन्हें पार्टी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पार्टी में बने रहना चाहिए। उन्हें हार से निराश न होते हुए काम करना जारी रखना चाहिए। किसी को भी सिर्फ चुनावी हार की वजह से निराश होकर पार्टी या विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। हर पार्टी का दिन आता है, बात यह है कि काम करते रहना है। सत्ताधारी दल और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहियों की तरह है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ऑस्कर अवार्ड के दौरान भरी महफिल में स्टेज पर एक्टर विल स्मिथ ने प्रेजेंटर क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। तो चीन में कोरोना वायरस की चौथी लहर से दहशत है और देश के सबसे बड़े शहर शंघाई में 2.6 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को कसाई बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब रूसी राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के अपने विवादित बयान से पलट गए हैं। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत दौरे से पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान में इन दिनों सत्ता को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इमरान खान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संकट के बादल गहराते ही जा रहे हैं। आज उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। इस साल ऑस्कर 2022 में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भरी महफिल में स्टेज पर एक्टर विल स्मिथ ने प्रेजेंटर क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। विल ने क्रिस पर भड़कते हुए कहा कि उनकी वाइफ जेडा का नाम अपने मुंह से मत लेना। पहले तो वहां मौजूद सिलेब्स को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में माहौल गंभीर होता देख एहसास हो गया कि इतने बड़े मंच पर कुछ ऐसा हुआ है जो ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बता दें कि विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, लेकिन ये अवार्ड मिलने से पहले उनका होस्ट क्रिस रॉक के साथ झगड़ा हुआ। दरअसल होस्ट क्रिस मंच पर विल की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ के बालों पर कमेंट कर रहे थे। यही बात एक्टर को बुरी लग गई और वो आपा खो बैठे। क्रिस ने जेडा के गंजेपन पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि एक फिल्म में उन्हें गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया है, जबकि जेडा ने फिल्म के लिए अपने बाल नहीं कटवाए थे। वो एक बीमारी से जूझ रही है जिसकी वजह से सिर में जगह जगह से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बाल कटवा दिए है। विल को क्रिस का यह मजाक पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टेज पर जाकर उन्हें जोरदार तमाचा मार दिया। इस वजह से थोड़ी देर तक क्रिस सन्न रह गए। उनके साथ साथ वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। क्रिस ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी वाइफ का नाम अपने मुंह से दोबारा मत निकालना। हालांकि बाद में स्मिथ ने माफी भी मांग ली। चीन में कोरोना वायरस की चौथी लहर से दहशत है और देश के सबसे बड़े शहर शंघाई में 2.6 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया है। शंघाई शहर में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद अब चीन की सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कल रविवार को शंघाई में कोरोना के 3,450 मामले सामने आए थे, जो देश में आए कुल मामलों का 70% है। इस लॉकडाउन के तहत शंघाई शहर को अगले 9 दिनों के लिए 2 भागों में बांटा जाएगा और इसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। शंघाई के वित्तीय जिले पुडोंग और उसके नज़दीकी इलाके में सोमवार से शुक्रवार तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बाद लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत हुआंगपू नदी के निचले इलाके में शुक्रवार से लॉकडाउन शुरू होगा। चीन के इस फैसले से देश की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे घरों में ही रहें। इस दौरान चेक पॉइंट पर सामान रखे जाएंगे ताकि किसी से किसी का संपर्क न हो सके। लॉकडाउन के दौरान जो भी ऑफिस जरूरी नहीं है वे बंद रहेंगे, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। चीन ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब पहले ही शंघाई शहर में कई इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन इलाकों में स्थानीय लोगों को कई बार कोरोना टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ रही है। इससे पहले शंघाई के डिज्नी थीम पार्क को बंद कर दिया गया था। इस महीने चीन में 56,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं।
यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को कसाई बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब रूसी राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के अपने विवादित बयान से पलट गए हैं। जब पत्रकारों ने बाइडेन से सवाल किया कि क्या आप पुतिन को सत्ता से हटाकर वहां नया शासन लाना चाहते हैं, इस पर बाइडेन ने कहा कि नहीं। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि पुतिन सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। बाइडेन ने यह विवादित बयान पोलैंड में अपने भाषण के दौरान दिया था, जो यूक्रेन की सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुतिन को लेकर दिया गया यह बयान बाइडेन के आधिकारिक लिखित भाषण का हिस्सा नहीं था। बाइडेन के सत्ता में बदलाव करने के आह्वान पर रूस बुरी तरह से भड़क गया था। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि बयानबाजी और कार्रवाई में संयम बरता जाए। उनका इशारा बाइडेन की ओर था, जिन्होंने पुतिन को कसाई तक कह दिया था। मैक्रो रूस के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका के सहयोगी है, लेकिन वह यूक्रेन में हमला शुरू होने के बाद अक्सर पुतिन से बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जुबान और कार्रवाई में संयम नहीं बरतने पर यूक्रेन में चलाए जा रहे मानवीय प्रयासों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मैक्रो ने कहा कि वह यूक्रेन और रूस के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस युद्ध का एक कूटनीतिक अंत चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट भारत दौरे से पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी उनके कार्यालय ने दी है। अपने समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर बेनेट 3 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों के 30 साल पूरे होने पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा पर आएंगे। हालांकि अभी बेनेट का दौरा रद्द होने के संबंध में कोई खबर नहीं है। खास बात है कि बेनेट ने हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। पीएम बेनेट के कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार बेनेट, जिन्होंने इजराइल और अरब के राजनयिकों के साथ रविवार को ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की थी, अब वह इच्छा महसूस कर रहे हैं और तय काम अपने घर से पूरा करेंगे। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री बने बेनेट की भारत की यह पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नवाचार और प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर तथा कृषि एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत और इजराइल के बीच संबंधों की फिर से शुरुआत की है और उसका ऐतिहासिक महत्व है। हमारी दो अनूठी संस्कृतियों, भारतीय संस्कृति और यहूदी संस्कृति के बीच संबंध गहरे हैं और वे अगाध सराहना एवं सार्थक सहयोग पर आधारित है। पाकिस्तान में इन दिनों सत्ता को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इमरान खान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संकट के बादल गहराते ही जा रहे हैं। आज संसद की बिजनेस लिस्ट में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। इसके पहले कल रविवार को इस्लामाबाद में इमरान खान ने बड़ी रैली की थी। इसमें लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे। रैली में इमरान खान ने दावा किया कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं आज विपक्षी दलों ने भी रैली करने का फैसला किया है। इस रैली में पाकिस्तान तहरीके तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इमरान सरकार में महंगाई और आर्थिक बदहाली बढ़ी है। इस बीच जमहूरी वतन पार्टी के शाहजान बुख्ती ने गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है। विपक्ष के पास इस समय PMLQ समेत 163 सदस्यों का समर्थन है। वही बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समेत 3 पार्टियां अब भी किसी फैसले पर नहीं पहुंची है और दोनों ही तरफ बातचीत कर रही है। दरअसल इमरान खान की ही पार्टी के कई सांसद बागी हो गए हैं और इस वजह से उनकी कुर्सी संकट में है। मामला इसलिए और भी पेचीदा है क्योंकि पाकिस्तान का संविधान अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद प्रधानमंत्री को संसद भंग करने और दोबारा चुनाव करवाने का अधिकार नहीं देता है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।